देखिए अभी तक आप लोग ना एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, अब असली पिक्चर चालू हो रही है। जितने लोग गांड मरवा के आए हैं खड़े हैं, गांड में दर्द है कृपया आके कायदे से बैठ जाएं, खड़े रहेंगे तो कोई पीछे से गांड मार देगा। और जितने मादरचोद कार्यक्रम छोड़ के चले गए उन मादरचोदों के लिए कहना चाहूंगा कि अब घर जाके भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, पड़ोसी चोद चाद के चला गया। बनारस से होली की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। मित्रों ऐसा है कि आप लाड़ मत चाटिए, पहले पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच वालों से दुनिया परेशान रहती है। एक और रहिए, ये बनारस की चीज आप लोगों के सामने, तो कृपया एक बार नारा लगाएंगे, हर हर जब बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, अक्सर उम्र बीतती रहती है, क्या होता है तो बच्चे की एज हो गई थी, उसका मन करता था यार सेक्स वेक्स का जुगाड़ हो जाए, तो बड़ी हिम्मत करके बाप से बोलता है पापा शादी कर दो। बाप बोलता है बेटा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जा। बच्चा फिर एक दो साल तैयारी किया, फिर नहीं निकला, फिर गया बोला पापा शादी कर दो, बोला अरे बेटा अभी नहीं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। फिर एक दो साल बीता, फिर उसने बोला शादी कर दो, बोले बेटा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ऐसे करते करते 35-40 साल में बेचारे की नौकरी लगी, तो नौकरी लगी तो अब वो चुपचाप नौकरी करता, तो बाप ने बोला बेटा अब शादी कर दूं, तो उसने बोला पापा अब शादी करके क्या करूंगा, बोले अरे बेटा अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, बोला पापा अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया हूं लेकिन अब वो नहीं खड़ा होता। बाप ने बोला बेटा कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है वो डॉक्टर है, उससे जाके मिलो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करेगा। तो वो गया, वो सेक्सोलॉजिस्ट था, तो उसके पास गया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि डॉक्टर साहब खड़ा नहीं होता है। तो डॉक्टर ने बोला बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं, सही जगह आए हो, तुम एक भैंस का बछड़ा देख लो कहीं पर जुगाड़ करो और अपने कैपिटल एल में दूध लगा के उसको चुसाओ, तुम्हारा काम करने लगेगा थोड़ी देर के बाद। तो लड़का यह नुस्खा लेकर आया, उसने प्रयोग किया, 3-4 महीने के बाद मार्केट में डॉक्टर से मिल गया, तो डॉक्टर ने पहचान लिया, बोला बेटे आप कैसे हो, शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। उसने कहा डॉक्टर साहब घंटा शादीशुदा जिंदगी, मैंने एक बछड़ा पाल लिया है, ज्यादा मजा आया। अच्छा आंबेडकर जी अब तो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी ओपनिंग की, अच्छे आर्टिस्ट हैं। एक बार होटल में बैठे थे और खाना खा रहे थे, बगल में एक जोड़ा था पति पत्नी का, उन्होंने पूरा अक्खा मुर्गा मंगाया था, तो अक्खा मुर्गा मंगाया तो वाइफ ने उसका लेग पीस निकाला और बोला ये लीजिए जी आप, अब ये लेग पीस लीजिए। अंबेडकर जी ये देख कर रोने लगे, तो वाइफ बोली अरे आप रो क्यों रहे, क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई, अब वो इस दुनिया में नहीं। तो बोले पत्नी की याद क्या बात हुई, बोले नहीं नहीं मेरी बीवी थी ना तो वो भी ऐसे टांग उठा उठा के देती थी। अच्छा अभी पिछले महीने ये जो भाई साहब चिल्ला रहे हैं, अब इनकी उम्र 70 साल हो गई है, इनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, ये बड़े खुश हो गए, डॉक्टर के पास ले गए, चेकअप कराए, डॉक्टर बोले बधाई हो आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इन्होंने कहा अरे डॉक्टर साहब इतनी उम्र में मेरे अंदर इतनी ताकत इतना दम, तो डॉक्टर ने बोला बैठो भाई बैठो। डॉक्टर ने इनको बिठाया और बोला सुनो एक बार एक शिकारी शिकार करने गया जंगल में शेर मारने, और जाकर शेर का वेट कर रहा था, फिर 3-4 घंटे के बाद जब शेर सामने आया तो शिकारी ने देखा कि बंदूक तो घर भूल गया है, लेकिन शिकारी के पास अपना छाता था, उसने छाता उठाया और सोचा शेर है शेर तो डर जाएगा, छाता निकाल के ऐसे निशाना जैसा लगाया, लेकिन तब तक शेर मर गया। तो इन्होंने डॉक्टर से कहा क्या बात करते हो डॉक्टर, छाता से कैसे शेर मर जाएगा, जरूर कोई दूसरा गोली चलाया होगा। तो डॉक्टर ने कहा हाँ बेटा। अच्छा जब कार्यक्रम में आना था तो एरोप्लेन पकड़ना पड़ता है कई बार,
एरोप्लेन में सबसे बढ़िया सीन वो होता है जब एयर हॉस्टेस आती है और बड़े स्टाइल से बताती है विमान में दो द्वार आगे दो द्वार पीछे। साला समझ में नहीं आता, हम लोग एक एक द्वार जानते हैं, वो दो दो द्वार बताती है। एक बार थोड़ा पहले एयरपोर्ट पहुंचा तो लाउंज में दो एयर हॉस्टेस बैठी थी और दोनों आपस में बातें कर रही थी। तो एक एयर हॉस्टेस ने बोला कि आज मैंने 3 घंटे की फ्लाइट में लगभग 200 लोगों की जान 3 बार बचाई। तो दूसरी ने बोला कैसे, तुमने कैसे जान बचाया, और अगर जान बचाया तो तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। तो उसने कहा यार ऐसा है कि पायलट ने बोला कि जल्दी से मेरे साथ सेक्स करो नहीं तो प्लेन को मैं क्रैश करा दूंगा। बात नहीं समझ में आई, देर में समझ में। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार होता है। देखिए मैं अक्सर पशुओं के बीच कार्यक्रम करता हूँ, कभी कभी मनुष्यों के बीच कार्यक्रम करने का अवसर मिलता है। एक बार मैं जंगल में इस तरह कार्यक्रम कर रहा था और सारे जानवर हंस रहे थे, लेकिन अभी जो अतिथि आए थे दोनों ना गधे, ये नहीं हंस रहे थे। तो मैं बड़े टेंशन में था, मैंने कहा साला ये गधा क्यों नहीं हंस रहा है। तो मुझको लगा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, बुद्धिजीवी होगा, इसलिए ये हंस नहीं रहा मादरचोद। 4 दिन के बाद धूप में घास चर रहा था, लगा हंसने, धूप में अकेले हंस रहा है। शेर ने देखा, डांटा, कहा क्यों मैं गधे, घोंसड़ी की आज कहाँ हंस रहा है। तो गधा बोला महाराज जो 4 दिन पहले आवारा कविता सुना के गए थे अभी समझ में आई। जब चुटिया पब्लिक को देखता हूँ तो उस गधे की याद आती है यार। एक बार जोर से ताली बजाइए और आप 2020 के स्टाइल में बैटिंग करता हूँ। मैं समझ गया टेस्ट मैच का जमाना चला गया। तो मित्रों आप लोग जो इधर खड़े हैं कृपया आकर बैठ जाए, आप लोगों के लिए ही ये सारी व्यवस्था की गई है। बैठकर कार्यक्रम का आनंद लें। अभी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके अपने शहर से बाहर से मंच पर उपस्थित हैं, आप लोग कृपया बैठ जाएं और खूब मन मना कर आनंद लें। तो बात एरोप्लेन की और एयरपोर्ट की हो रही थी, वहीं से फिर आप लोगों को जोड़ता हूँ। तो एरोप्लेन में जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, क्यों चाचा आपको क्या पता घंटा एरोप्लेन में बैठे हैं मुंडी हिला रहे हैं। देखिए आप लोग ये जो कोलाहल कर रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ ये कोलाहल नहीं अल्कोहल बोल रहा है। तो जब एरोप्लेन टेक ऑफ करने को होता है तो पायलट अनाउंस करता है अपने केबिन से बैठे बैठे कि कृपया आप लोग अपनी पेटी बांध लें, सेफ्टी बेल्ट लगा लें। और जब प्लेन ऊपर चला जाता है तो फिर अनाउंसमेंट होता है कि अब हम इतनी ऊँचाई पर उड़ रहे हैं और अब आप लोग अपनी पेटी खोल सकते हैं। ये अनाउंसमेंट करने के बाद माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक बार टेक्निकली मिस्टेक हुआ, भूल गया और उसने माइक नहीं बंद किया। तो को पायलट से, बगल वाले बैठे पायलट से उसने कहा यार अब पायलट, अब तो प्लेन ऑटो मोड पे उड़ रहा है, अब एकदम मस्त कड़क कॉफी पीऊंगा और उसके बाद वो जो पतली वाली लंबी वाली एयर हॉस्टेस है ना उसको जम के पी लूंगा। तो पूरा एरोप्लेन में आवाज आ गई और ये सुनते हुए एयर हॉस्टेस बड़ी तेज दौड़ी कि जाके माइक बंद कर दें, और दौड़ के जा रही थी और वो लड़खड़ा के गिर गई। गिर गई तो ये बोले बहुत आग लगी है, बहुत जल्दी है, तुमको सुना नहीं, पहले कॉफी पिएगा तब तुमको पी लेगा, आराम से जाओ। तो एक बार एक दरोगा जी थे, उनकी गाली देने की बड़ी बुरी आदत थी। एक बार मुंशी ने उनको बोला साहब चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा किस मादरचोद की है। तो मुंशी बोला साहब आपकी है। दरोगा जी बोले अरे मेरे कहने का मतलब है किस भोसड़ी वाले ने भेजा है। तो मुंशी बोला हुजूर आपके बाप ने भेजा। अच्छा उनकी शिकायत हो गई थी एसपी से, एसपी ऑफिस में बुला लिया दरोगा को। एसपी ने बोला कि दरोगा जी आपकी शिकायत आई है कि आप बहुत गाली देकर बात करते हैं। दरोगा ने बोला कौन मादरचोद भोसड़ी वाला कहता है सर कि मैं गाली देकर बात करता हूँ। अच्छा मैं अभी एक गीत है, मैं एक कविता पढ़ता हूँ। है देश में बवाल तेरी माँ की चूत में, है देश में बवाल तेरी माँ की चूत में, खाते हो फ्राई दाल तेरी माँ की चूत में, और जनता को दाल भी यहाँ मुहाल हो गई, किससे करें सवाल तेरी माँ की चूत में। और क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है दिन ब दिन, लेकिन यहाँ देश में सस्ता नहीं हो रहा है। कीमतें हैं तेल की गिरती ही जा रही, तुम पेल रहे माल तेरी माँ की चूत में, सब मुफ्त बांट देश को बर्बाद कर रहे, समझ रहे हैं चाल तेरी माँ की चूत में।
तुष्टीकरण और वाम पंथ से मिलेगा क्या? रो रहा बंगाल तेरी माँ की चूत में, और पंजाब में अभी इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, पंजाब में दो पार्टियों की चूत गई मैया, ऐसा बिछाया जाल तेरी माँ की चूत में। और सब कुछ जब मुफ्त बन रही है तो देखिए दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली में तो चूत भी अब मुफ्त मिल रही, क्यों बे घोसड़ी वाल तेरी माँ की चूत में। और सब माल बेल पाल लुटेरे फरार हैं, कहा गया कि काला धन वापस आएगा, सारे चोर पकड़ के वापस आएंगे, अभी किसी की झांट नहीं है। सब माल बेल पाल लुटेरे फरार हैं, तुम बजाते गाल तेरी माँ की चूत में। और यह कविता जो अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में एक गीत जो यादव जी ने गाया था और बड़ा वायरल हुआ था, अब वहाँ सरकार भी बन गई योगी बाबा की, उसी गीत के ओरिजिनल बोल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, मात्र 6 पंक्तियों का आनंद उठाइएगा। चाहे जितना तुम चिल्लाए, चाहे जितना गाण उठाए, चाहे जितना तुम चिल्लाए, चाहे जितना गाण उठाए, आए हैं फिर योगी ही, जीते हैं फिर योगी ही, पेलेंगे फिर योगी ही, पेलेंगे फिर योगी ही। गुंडों की अब गांड फटी है, गुंडों की अब गांड फटी है, माफिया की उम्र घटी है, खुश है सीधी सादी जनता, खुश है सीधी सादी जनता, कार्रवाई तो होगी ही, पेलेंगे फिर योगी ही, पेलेंगे फिर योगी ही। धन्यवाद।